चलिए करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है खास। सबसे पहले हमें देखने मिलता है एक और बॉक्स जिसमें है कुछ डॉक्यूमेंटेशन और सिलिकॉन केस रेडमी के 30। चलिए अभी के लिए इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या है। एक यूएसबी टाइप सी डेटा केबल और एक चार्जर जो 30 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। तो बस यही सारी चीजें मिलती है हमें रेडमी के 30 के बॉक्स के अंदर। सबसे पहले हम डिजाइन की बात करते हैं। फ्रंट की तरफ हमें देखने मिलता है डुअल पंच होल डिस्प्ले कैमरा और एक बहुत ही नैरो चिन। बैक की तरफ हमें देखने मिलता है क्वाड रियर कैमरा सेटअप और कैमरा के नीचे हमें देखने मिलता है एलईडी फ्लैश और उसके नीचे मिलता है हमें रेडमी की ब्रांडिंग। राइट की तरफ हमें देखने मिलता है वॉल्यूम रॉकर कीस और एक पावर बटन जिसमें है फिंगरप्रिंट सेंसर। टॉप की तरफ दिया गया है आयर ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक्रोफोन। बॉटम में दिया गया है स्पीकर ग्रिल, प्राइमरी माइक्रोफोन, यूएसबी टाइप सी पोर्ट और 3.5mm ऑडियो पोर्ट। और लेफ्ट में हमें देखने मिलता है सिम और एसडी कार्ड ट्रे। चलिए फोन की स्पेसिफिकेशंस चेक कर लेते हैं। रेडमी के 30 आता है 6.67 इंच फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले के साथ जो कोडिंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। ये स्मार्टफोन आता है 4500mAh की बैटरी के साथ जो 30 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। रेडमी के 30 4G एडिशन चलता है मिड रेंज गेमिंग प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 730G पर जो आता है एड्रीनो 618 जीपीयू के साथ। और रेडमी के 30 5G वेरिएंट चलता है स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर पर जो आता है एड्रीनो 620 जीपीयू के साथ। ये स्मार्टफोन आता है LPDDR4X रैम के साथ जो तीन वेरिएंट में आएगा 6GB 8GB और 12GB। ये स्मार्टफोन चलता है UFS 2.1 के साथ जो आएगा तीन वेरिएंट में 64GB 128GB और 256GB वेरिएंट। और आप रेडमी के 30 के स्टोरेज को एक्सपांड भी कर सकते हो अप टू 512GB वाया SD कार्ड। रेडमी के 30 चलेगा एंड्रॉइड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 10 पर जो MIUI 11 के साथ आएगा। रेडमी के 30 आता है क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ हमें रेडमी के 30 में वर्ल्ड का फर्स्ट सोनी IMX686 64 मेगापिक्सल का सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। और रेडमी के 30 4G एडिशन में देखने मिलेगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। और सेल्फी क्लिप में दिया गया है डुअल पंच होल डिस्प्ले कैमरा जिसमें है 20 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें हमें ऑलमोस्ट सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे 3.5mm ऑडियो जैक, USB टाइप सी पोर्ट, FM रेडियो, डुअल 4G सपोर्ट 4G वेरिएंट में और डुअल 5G सपोर्ट 5G वेरिएंट में, ब्लूटूथ 5, GPS और Wi-Fi 802.11।